सेठ जी आदमी की वफादारी और ईमानदारी का इम्तिहान लेते हैं। वो करता क्या था? झाड़ू पोछा। कि जिसे मैं करोड़पति की बेटी समझकर डोले डाला हूं वो करोड़पति की नहीं एक भुक्का वाली की बेटी निकलेगी। झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। बाबा का केक है असर किए बिना वापस नहीं आता। मामे 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 इन भैंसों की नानी मर जाए। इन भैंसों ने मेरे इधर उधर सींग मार मार के मेरे शरीर में घुमड़े बना दिए। अरे शरीर क्या, तेरी तो पूरी जिंदगी में घुमड़े पड़ गए हैं। मामे घर से गया, गाँव से गया, अब नौकरी से भी गया। अगर ऐसे ही बुरा टाइम चलता रहा ना तेरा तो मन ने भी कुछ सोचना पड़ेगा। बस मामे तेरी सोच से तो मैं बर्बाद हुआ हूँ, तू अब मत सोच, मत सोच तू। और मामे मेरे जख्मों को गोदाम समझकर उसमें क्यों नमक भर रहा? क्या बात है बेटे, आते आते तुम लोगों की बातें सुनी, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं जी, वो कलेजे पे टेंट साइज के छाले पड़ गए हैं ना, वो फूट रहे हैं। अरे किस बात के छाले फूट रहे हैं? राजा जी की नौकरी चली गई इसलिए? देखो बेटे डरने की कोई बात नहीं है, पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं सेठ धनपत राय से बात करके सीधा नौकरी पे लगा दूंगा तुम्हें। मामे सेठ धनपत राय नाम सुना सुना नहीं लग रहा? अरे हमारे सेठ जी, मैं उनका मामूली माली हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी कुछ हक बनता है उन पर। लेकिन एक बात है बेटे, हमारे सेठ जी कोई भी काम दे, कैसा भी काम दे, उन्हें इनकार मत करना, क्योंकि सेठ जी आदमी की वफादारी और ईमानदारी का इम्तिहान लेते हैं। और अगर आदमी उन्हें पसंद आ जाए तो सीधा नौकर से जनरल मैनेजर तक बना देते हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आज ही मिलाता हूँ सेठ जी से, ठीक है? अरे भांजे, मामे मामे, मैं जिस आदमी का दामाद बनना चाहता था उसकी नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। पागल हो गया क्या? नौकरी नहीं करेगा तो मेरे सुनने का दांत वापस कैसे आएगा? मामे तू कितना दांत दांत कर रहा है, अभी तूने दांत की बात की तो मैं तेरा दूसरा दांत भी तोड़ डालूंगा। कल रात से दांत दांत सुनकर मेरे दिमाग की दही होगी। मेरे सारे दांत तोड़ दे, पर तने नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मामे जब तेरे को मालूम है मैं हराम खोर हूं, मुझसे नौकरी क्यों करवा रहा है? भांजे मामे, भांजे मामे, भांजे। अच्छा करता वो है हमारे सेठ सर, ये बैंक और ये चेक हमने भेज दिया है। सेठ जी ये मेरा दामाद है। उस दिन ये शादी में तो बहुत दुबला था, ये अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? नहीं 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 सेठ जी, मैं तो राजा का मामा हूँ, इनका दामाद तो मेरे पीछे खड़ा है। जा भांजे। मामे सामने से हटेगा तो आऊंगा ना, वजन भारी है, टाइम लगेगा, जल्दी करना। अच्छा ले फिर। नमस्ते जी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं सेठ जी, मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है, आपने मुझे कहीं नहीं देखा। तुम जाओ। ओके सर। नहीं नहीं, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। सेठ जी आपने उसे शादी में देखा होगा। अरे शादी में तो ये सेरे में था, मैंने इसकी शक्ल देखी नहीं, मैंने कहीं और इसे देखा है। सेठ जी छोटे मोटे लोगों को आपने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके पास इसलिए आया था कि आजकल हमारे दामाद बेकार है, बस छोटी मोटी नौकरी पे लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी, सेठ जी, वो किसका भाई है ना, बीमार हो गया है इसलिए काम छोड़कर नेपाल चला गया है। बस सेठ जी उसी की जगह पर लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो करता क्या था? झाड़ू पोछा। मुझे वो तीनों ड्राफ्ट रेडी चाहिए जी। और वो जो 4 बजे की मीटिंग है उसके लिए सबको बोल दिया है ना जी। द मीटिंग हैज टू हैपन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है, नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, आपने मुझे देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है सेठ जी, नहीं देखा, देखा बोल रहा है। मैं क्या बता देगी सचूर नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अरे आप इस गरीब के घर पधारे, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाकर पायल से कह कि उसके सास और ससुर जाएं। जवाब जल्दी। जी साहब। जी एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। बुरा मत मानिएगा। ये आप ही राजा के ससुर हैं? जी हाँ। आपको कोई शक हो रहा है? तो फिर आप ये घास क्यों काट रहे थे? वो तो मेरा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम? लीजिए समधी जी, आपकी बहू भी आ गई, आइए आइए। नमस्ते माँ जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे नमस्ते बाबू जी। जीते रहे बेटी, जीते रहे। अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर, कहीं तुझे किसी की नजर न लगे। देखिए जी, आप तो हमेशा मेरे बेटे को निकम्मा नालायक कहते थे,
लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे ऐप धुल गए। हमारे लिए चांद सी बहू जो ले आया है वो। बेटी, मुझे अपना ससुर नहीं अपना बाप समझना, और मुझसे वही लाड मांगना है जो बेटी अपने बाप से मांगती है। बेटी, मैं थोड़ा सनकी हूँ, कभी कोई गड़बड़ करो तो संभाल लिया करना। अजी, इससे सिर्फ आप बातें ही करते रहेंगे या जो तोहफा लेकर आए हैं वो भी देंगे? अरे, ऐसी बहू मिली है कि जी करता है पहले दिन ही दिल की किताब इसके सामने खोल के रख दूंगा। ले बेटी, ले। अजी भाई साहब, हमारा बेटा कहाँ है? अंदर है ना भाई जी, आइए। राजा? हाँ? हाँ? जीजा जी। भाभूजी कैसे आ गए? माँ। राजा जी, मेरा चांद। जीजा, भाभूजी कैसे हो भैया? जीजा जी, तू वहां से तो बड़ी बड़ाइयां मार कर आया था कि मैं करोड़पति की बेटी से शादी करूंगा, यहाँ के झाड़ू मार रहा है? हाँ? ये पूछा मार रहा है? बाबूजी, मैं तो आप ही के कहने पर अमल कर रहा हूँ ना। मेरे कहने पर? मैंने तो इससे कहा था झाड़ू मारने के लिए। हाँ, तो आपने तो कहा था कि अपने घर का काम खुद करना चाहिए। और आप मेरे ससुर जी को देखिए ना, कितने बड़े आदमी, मगर बाहर देखिए कैसे घास काट रहे हैं। जी जी, अब आयो तो दो चार घंटे तो इधर रहोगे ना। दो चार घंटे क्यों, हम हफ्ता रुक के जाएंगे पूरा। जी जी, ऐसा करते हैं हम ना, आपके रहने का इंतजाम पीछे गेस्ट हाउस में कर देते हैं। इतना अच्छा घर छोड़ के मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी? ओ जी जी, आप रह नहीं सकती हो ना यहाँ पर। यहाँ पर है ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। काहे का कंट्रोल? वो शहर में ना कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो उनको मारने के लिए ना दवा छिड़कनी पड़ती है। दो तीन दिन के लिए घर बंद रखना पड़ता है और लोगों को है ना गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है। तो हमें ना सारे वहीं पे एक साथ इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सब इकट्ठा रहेंगे वहीं। अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग तुझसे थोड़ी मिलने आए थे, हम तो बहू से मिलने आए थे, उसको आशीर्वाद देने आए थे। उसे मिल लिए, आशीर्वाद दे दिया, हमारा काम हो गया। अब यारों की क्या करेंगे, शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे? हाँ। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या है, ये अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी, वरना फुर्सत है ही नहीं। फसल पक के तैयार खड़ी, एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब फिर अपने घर की बात है, फिर आ जाएंगे। हाँ। ये भी ठीक है, तब ऐसा कीजिए, दो महीने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है, तब आप जरूर आइएगा। जी हाँ। सोनिया कौन है? बाबूजी, मेरी साली समझिए ना। तू तो कह रहा था कि पायलिन की इकलौती बेटी है, तो फिर उसकी बहन कहाँ से आई? तो मैंने कब कहा कि सगी बहन है, मगर सगों से भी सगी है, इसलिए उसकी सगाई है। हाँ। अरे डार्लिंग, मैं इधर इधर। अरे बाबा, हांग कांग खेल लिए ना। अरे थैंक यू यार। पैसा देनी चाहिए? पी लो ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे पी लो ना। अरे बाबा, बोला ना नहीं चाहिए। अरे पी भी लो यार। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैंने भी आपको कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा? पानी। ए, काम हो चुपते जा रहे हो लखपति सेठ? आपको बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं तेरे से कह रहा हूँ, तेरे से कह रहा हूँ लौटने की बात। मैं? वाह वाह, क्या जान है जी, क्या शानदार कपड़े पहने हैं। ये कपड़े उसी करोड़पति सेठ ने मंगवा के दिए ना, जिसकी टेक्सटाइल की मिले हैं, गाड़ियों की फैक्ट्री है। और तेरे को वेटर की नौकरी करनी थी तो मेरे से कह देता, मैं तेरे को घर में ही नौकरी दे देता, गांव की इज्जत तो रह जाती है जी। तो मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं यार। क्या? राजा, मेरे को भी नहीं जानता क्या? अरे मेरे को भी नहीं जानता क्या? अरे उधर हवा में क्या देख रहा है, इधर देख, तेरे मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग गया क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मेरी नौकरी को लात मार के निकल गया था कि तू किसी करोड़पति सेठ की एकलौती बेटी से शादी करने वाला है, तो फिर यहाँ वेटर बन के काहे को घूम रहा है? सेठ जी, क्या बात है, क्यों आप लोग मेरे दामाद का मजाक उड़ा रहे हैं? इसलिए कि एक दफा ये हमारे मुंह पे थूक के हमारा मजाक उड़ा के गया था। नहीं नहीं सेठ जी, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत नेक और शरीफ बच्चा है। शरीफ? और ये, अगर ये शरीफ है तो दुनिया के सारे शरीफ बदमाश हैं। अरे ये एक नंबर का फ्रॉड है, तू इसको जानता नहीं है। ये मेरी ऑफिस में काम करता था और नौकरी के लिए ऐसे सर्टिफिकेट्स लेकर आया था जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। बीए का सर्टिफिकेट नकली, मार्कशीट जाली, और जब मैंने इसे सवाल किया तो ये कहता है, करोड़ी तू काहे का सेठ है, तेरे से भी बड़ा सेठ मैं बहुत जल्द बनने वाला हूँ, तेरी ऑफिस के कागजात तैयार रखना, मैं उसे खरीदने वाला हूँ। ओह,
याद आया, तुम इसके ऑफिस में थे, इसकी फैक्ट्री खरीदने की बात कर रहे थे, मैं भी उधर था, और तुमने मुझसे कहा था कि जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हों तो मुझ जैसे छोटे आदमी को बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अरे धनपत राय जी, आप भूल गए, इसने हमको भिखारी कहा था, और ये भी कहा था कि आप जैसे भिखारियों को अमीरों का पता पूछने की पुरानी आदत होती है, और कहा था कि चौराहे पे खड़े रहकर भीख मांगोगे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। कहा था ना, भूल जाओ, पार्टी है, कम एंड एंजॉय योरसेल्फ। कम बेटा, कम 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 कम, फॉरगेट इट, आइए आइए, आप भी आइए, कम कम, चीयर अप। सूट के बटन खोल के उसमें अपनी औकात टटोल, अबे टटोल भी रहा बेवकूफ, सारे भूल गया। अबे जिस गांव के अंदर तू भैंस चरा कर गोबर बेचकर रोटी खाया करता था, उस गांव के सरपंच का इकलौता बेटा हूं मैं, और इस महफिल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूट में अपनी औकात छुपो के बैठे हैं और चोटे। अबे तू खुद इस करोड़पति की मोटी बेटी को पटा कर खुद करोड़पति बन गया, ये मोटी चश्मे वाली को वो चल गया। अरे लाखों करोड़ों लड़के अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो मैंने देखा तो कौन सा पाप किया। अरे मैंने अगर चाहा कि मैं करोड़पति की बेटी को फंसा कर खुद करोड़पति बन जाऊं, तो मैंने कौन सा पाप किया? इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मगर अफसोस, मेरी तकदीर बड़ी खराब निकली। अरे मुझे क्या पता था कि जिसे मैं करोड़पति की बेटी समझकर डोल डाल रहा हूं वो करोड़पति की नहीं, एक फुक्कर वाली की बेटी निकलेगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं हिंदी बोल रहा हूं मियां, एक मिनट। ये कड़कांदा, तुमको शेर धड़पत रहा है, इस बंगले और कोटी का मालिक समझता रहा। मालिक क्या यार, तुम तो कंगाल पति निकले। मैं सच बोल रहा हूं यार, बुरा नहीं मानना यार, तुम्हारी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप खामखा पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो अमीर है, उन्होंने आपसे कभी अपनी हैसियत नहीं छुपाई। आप घर चलिए। हकीकत नहीं छुपाई, तूने छुपाई। हाँ, इनको क्या हक है इतना खूबसूरत लगने का? अमा तुम गरीब हो, गरीब लोगों, रोज नई गाड़ियों में घूमना, रोज नए कपड़े पहनना, रोज क्लबों में जाना। अमा मैं तो फरेब में आ गया यार, मुझे क्या मालूम। अगर मुझे मालूम होता कि तुम एक मालिक की बेटी हो तो मैं तुमसे शादी करता। कलवे, अबे सारे गोबर में फंसे हुए तलवे, अबे डर मत, इधर आ यार। अच्छा किया तूने यार, मेरी पोल खोल गई, बहुत अच्छा किया तूने। अरे मैं तो बहाना ढूंढ रहा था यार कि मैं कैसे अपनी बीवी को छोड़कर यहां से भाग जाऊं। यार मैं सच्ची बोलू यार, मुझसे नौकर का काम नहीं हुए, मैं बहुत थक जाता हूँ यार, मैं तो भागने का बहाना ढूंढ रहा था, मेरे को चांस मिल गया। कहा सोच रहा था कि बीवी के साथ ताज में खाना खाऊंगा, ये ताज के बहरे का टोपा पहना दिया मेरे को। ए मामे, ओ चलो चल भाग जे। नहीं
राजा, नहीं राजा ऐसा नहीं करते। तेरी बात सुन, वो तुम्हारी ब्याहता है, उसका कोई कसूर नहीं है। चाहे तो मुझे जूते से मार ले, लेकिन उसे छोड़कर मत जा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़कर मत जाना राजा। होता यार, मेरी बात सुन राजा, मेरी बात सुन। अरे मेरे से इतना काम नहीं होता यार, बर्तन मांजो, कपड़े धो। मामे ये फटका मार के जो मेरे को जिंदगी में फटका लगा है ना, क्या बोलूं मैं मामे, मैं बर्बाद हो गया। ना बेटे ना, रोते नहीं। मैं जानता हूं वो बहुत नेक और अच्छा लड़का है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। बेटी वो वापस आएगा, देखना कल सुबह जरूर वापस आएगा वो। बेटा आएगा, शराब पीकर जवानी में कौन नहीं भागता है। अगर वो भाग गया तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। कमन चेयर अप, चेयर अप फ्रेंड्स, कमन चेयर अप एंड एंजॉय योरसेल्फ, कम ऑन। मैं हूं भाण जी, वो कहावत सुनी ना तन्ने, घर के बुद्धू लौट कर लौट के आए। मामे तू सच बोलता है ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। ले पूरा घर और ये रहे बुद्धू। अरे अरे तारो कोई राजा जी, बाबूजी बाबूजी आ गए। कौन? क्या बोल रहा बेटा? दोनों। कौन दोनों? अरे वही मामा जी और राजा जी। राजा जी आ गया मेरा चांद। अरे मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक हूँ माँ। जीते रहे। अरे मगर बहू कहाँ है? आप भी कमाल करते हैं, बहू पहली बार घर आ रही है तो जाहिर है टांगे में होगी। अरे भाई अभी तक उसका गृह प्रवेश नहीं हुआ तो घर के अंदर दाखिल कैसे हो सकती है? ठहरो मैं आरती लेके आती हूँ। बहू नहीं आई है माँ। बहू क्यों नहीं आई? जीजा जी आपको तो पता है, वो महलों में रहने वाली अमीर लड़की है। हाँ? तो उसने है ना शहर छोड़ के गाँव के मामूली झोपड़े में आने से साफ इनकार कर दिया। हाँ? जीजी पता है वो करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है ना। पहले तो राजा जी की जवानी पे विदा हो गई, फिर उसे प्यार करने लगी, और फिर दो चार दिन में ही है ना उसके प्यार का रंग उतरना चालू हो गया। और माँ जैसे ही उसको मेरे गरीबी के रंग के बारे में पता लगा ना, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बात बात पर ताने देने लगी, फिर बात गालियों तक पहुँच गई। और उसका करोड़पति बाप है ना माँ, अरे वो तो मेरे साथ नौकर वाला बर्ताव करने लगा। बाबूजी ने तो अपनी आंखों से। बेटा झूठ की उम्र बहुत कम होती है, झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। और वो कौन से करोड़पति सेठ की बात कर रहा है जिसने तेरा अपमान किया? मेरे ससुर जी बाबूजी सेठ धनपत राय जी। बेटा जवानी में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, तेरे ससुर का नाम सेठ धनपत राय नहीं है, प्रताप सिंह है। हाँ, प्रताप सिंह जो धनपत राय की यहां अदना सा माली है, उसका नौकर है, सर्वेंट्स क्वार्टर में रहता है। वहां तूने हमसे लाख झूठ बोला, मगर मैं वहीं पहचान गया था। मगर फिर भी तेरी इज्जत के लिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, वरना तू अपने ससुराल में अपने ससुर के सामने अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हो जाता, पानी पानी हो जाता। जहां तक मेरी बहू का संबंध है, वो तो साक्षात देवी है। वो उन लड़कियों में से जो सुख में कम और दुख में ज्यादा साथ देती है। उसने तेरा साथ नहीं छोड़ा है कमबख्त, तू उसको छोड़ के भागा है, क्योंकि तूने उसकी दौलत की लालच में से शादी की थी। और जब तुझको उसकी गरीबी का पता चला तो तेरे दौलत के अरमान टूट गए, तेरे सपने खाक में मिल गए, और तू मौका देकर वहां से भाग निकला। ये है तुम्हारा बेटा, ये। राजा जी, राजा जी क्या ये सच है? तेरी खामोशी कह रही है कि तेरे मन में चोर है। तूने उसे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? तूने अग्नि के सामने उसके संग 7 फेरे लिए थे। अरे हर फेरे के साथ एक वचन होता है, एक कसम होती है, एक वादा होता है। नालायक, हर कसम हर वादे को लात मार के चलाया। आज तक
जो कुछ भी तूने किया अपनी मर्जी से किया, आज तू मेरा फैसला सुन। आज के बाद तुझ पर इस घर के दरवाजे बंद, और इस घर के दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जिस दिन मेरी बहू मेरे घर की इज्जत इस घर में वापस आएगी। आज के बाद हमेशा के लिए ये दरवाजे तुझ पे बंद बंद है तुझ पे। मां मैं वहां नहीं जाऊंगा, तू बाबूजी को समझाना। बाहर का रास्ता उधर है मां, इस जगह पर मेरा भी बराबर का अधिकार है, मैं नहीं जाऊंगा। तो टाले बगाड़ से, मैं तेरी मां को है ना तेरे जन्म होने के पहले से जानता हूं। तेरे को क्या लगता है तेरे को घर से बाहर निकालने के बाद वो क्या चैन से बैठी होगी? अरे निवाड़ा तक मुंह में नहीं गया होगा उसके। नहीं वो तो मेरे को मालूम है, जब भी कोई मां अपने जवान बेटे पर हाथ उठाती है ना तो कसूर हमेशा बेटे का ही होता है। लेकिन मां ने मेरे को थप्पड़ मारा ना मामे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। के मतलब? मतलब ये कि जितनी बड़ी गलती मैंने की थी ना, माँ को मुझे जूता मारना चाहिए था। ना जूते खाने का इतना ही शौक है तो माँ घर पे और जूते मेरे पास है, चल वापस चलते हैं। बड़ा होता हो रहा है तो मुझे जूता मारने के लिए है? अरे अरे अगर मैं घर वापस चला गया ना तो अपनी बीवी से माफी मांगने के लिए मुंबई कब जाऊंगा? मामे चल यार मुंबई चलना है मेरे को। अरे पर मुंबई जाने के पैसे कहाँ है? एक मिनट देखा ना, अब क्या देख रहा है, क्या चेक कर रहा है? अरे चेन बेच दी, अंगूठी बेच दी, दांत बेच दिया, अब क्या मन ने बेचेगा? अरे तेरे को तो कसाई भी नहीं खरीदेगा मामे। अरे अरे तू कुछ सोच ना, जाए तो जाए कैसे? ना तू भी तो सोच सकता है। अरे मेरे पास इतनी अक्कल होती तो मैं तेरे साथ थोड़ी रहता। ना फिर भी सोच, तू ही सोच। ठीक है मामे, सोच लिया। सोच लिया, चलो चलो ठीक है। तो कहां मर गए सबके सब सुधाई? और मैंने 8 बजे पहले पहले मुंबई के लिए निकलना है। पापा जी अगर आप बुरा ना माने तो ये सारी की सारी बोरियां उठाकर मैं ट्रक में रख दूं, इस हमाली के बदले आप मुझे मुंबई ले जाओगे? ओ पापा जी अगर मैं ये बोरियां अंदर ना रखूं और हमाली ना करूं तो आप मुझे मुंबई ले जाएंगे? अरे आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी तरफ से भी मैं हमाली कर दूंगा। पक्की बात है? हाँ जी पक्की। लग जा काम पे। धन्यवाद जी। ठीक है तू बोरी उठा, मैं अंदर बैठता हूँ। बैठ जा मामे। ओ पापा जी आपने ट्रक क्यों रोक दिया? बात दरअसल ये है, जब तक 2-4 रोटी से पेट बुझाना कर लूं तो ये गाड़ी नहीं चलती मुझसे, और 4 दिन का सफर है। डैडी ये लीजिए प्रताप अंकल के लॉटरी के टिकट, चेक कर लीजिए। पकड़ जा रहा प्रताप, प्रताप क्या हुआ मालिक, क्या हुआ मालिक? अरे प्रताप तेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकली। मेरी और लॉटरी? नहीं सेठ जी ठीक से देख लीजिए एक बार। देखकर तो बता रहा हूं प्रताप, 10 करोड़ की लॉटरी निकली है तेरी। 10 करोड़ की? और मेरी लॉटरी और 10 करोड़? मैं हम अमीर हो गए बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम लोग अमीर हो गए।
10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग, 10 करोड़ के मालिक हो गए हम लोग। बेटी बेटी हम अमीर हो गए, अमीर हो गए हम लोग, अमीर हो गए। रुक रुक रुक, गर्मी है बंबई बच्चे। भाई वाह, ले भाई बाकी से पैर रख ले, चल ले उतर। ओजी मैं फंस गई हूँ, थोड़ा तक्का मार दो। तक्का एक बार और मार दो जी। ओए किन्ना खांदी यार। ओ दीदी का पुत्र है चुक। ओ पैरी पहला चाचा जी। रुको बेटा रुको, तुम भगवान लो कर लो गल, आपने हमको नहीं पहचाना। चुप है, पता शता है नहीं, आपने हमको नहीं पहचाना। ओ जी पहचानेंगे भी कैसे, हम पहली बार फगवाड़ा से जो आए हैं। हाँ जी। अरे कहीं तुम बनवारी के पुत्र तो नहीं हो? आहो जी। सुशील कुड़ी नू वो नसीबो जला छड़ के चला गया, कुत्ता कमीना। लेकिन चाचा जी आप चिंता छड़ दो कि इससे शादी कौन करूंगा, हम कुर्बानी देंगे चाचा जी, हम आ गए हैं ना, ये मेरा छोटा पूरा चिंदा, ये करेगा इससे शादी। हाँ जी। राजा भैया आप किससे मिलने आए हो? मैं अपने पायल को लेने आया हूं। अब वो यहां नहीं रहती। यहां नहीं रहती तो कहां गई? उन्होंने नया बंगला खरीदा है, उनको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। 10 करोड़? अरे भांजी सुना तने, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है उनको। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, पैसा मांगने के लिए नहीं आया। पैसा मांगने नहीं आया तो फिर तू जा, मेरा यहाँ का काम। हाँ तो तू जा यहाँ से। मैं जा तो रहा हूँ। तो जा ना यहाँ से। ना ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, कितना टाइम लेगा जाने में? ये तो बड़ी इंसल्ट कर दी तने मेरी। ना मैं जा रहा हूँ। जा भांजी, तूने आज है ना अपने मामे का दिल तोड़ा है, तोड़ा है तूने दिल। अरे जिंदगी भर पैसा कमाने का सपना देखा और आज जब पैसा मिल रहा है तो उसे लात मार रहा है, पर मैं भी है ना तेरा दिमाग ठीक करके रहूंगा। ठीक हो रहा बाबा, ये ले बालिके, तेरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, जाओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, केक वाले पापा जी, पापा जी, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की ना तो मैं आपके पैर में क्या पूरे बदन में गुदगुदी कर दूंगा। पैर छोड़, पैर छोड़, बोल तुझे क्या दुख है? दुख की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भाणजा है, नाम उसका है राजा, मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। जबकि मैं है ना उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा हैंडसम हूँ, ज्यादा डैशिंग हूँ। क्या बात कर रहे हो बाबा जी, मैं थोड़ा छोटा हूँ, थोड़ा काला हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन मेरी बाकी बॉडी है ना एकदम सलमान खान की तरह है। जानम समझा करो, जानम समझा करो बाबा जी, समझा करो। और ऐसा कुछ कर दो कि मेरी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए, ताकि मैं ना दुनिया के किसी भांजे पे डिपेंडेंट ना रह सकूं। अरे इस बाबा की ताकत को तू जानता नहीं, अगर मैं चाहूं तो हवाओं का रुख बदल कर पहाड़ों में सुनाख कर दूं। जानता है ये क्या है? ये चाकू है। चाकू के नीचे क्या है? चाकू के नीचे केके है। केके नहीं, केक है, केक। हाँ केक है। ये कोई मामूली केक नहीं, बाबा का केक है, असर किए बिना वापस नहीं आता। ये ले बालक, ये केक तू जिसको खिलाएगा वो तेरे प्यार में दीवानी होकर ऐसे भागेगी जैसे मजनू के पीछे लैला, रोमियो के पीछे जूलियट, उसके पीछे वो, उसके पीछे ये, तेरे पीछे कौन, समझ गया? समझ गया, समझ गया, समझ गया मैं। सेक्रेटरी, यस, वो 20 लाख का जो चेक है ना वो खन्ना एंड खन्ना कंपनी को भिजवा देना। ओके, 20 लाख। हेलो, अमेरिका से? एक मिनट मैडम, आपका अमेरिका से फोन। अमेरिका से? हेलो, लक्ष्मी स्पीकिंग। अच्छा, वो आपकी कंपनी में हमारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया है $3 लाख का, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। ओके। ओ देवी जी नमस्कार। घबराओ नहीं, मैं तो आपको बस ये केक खिलाना चाहता हूँ। केक? हाँ, आज मेरा है ना हैप्पी बर्थडे है जी। ओ जी खा लो ना जी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। एक तो मेरे भांजी ने मेरा दिल तोड़ा है, और अगर आपने भी मेरा दिल तोड़ दिया ना तो मैं तो पूरा ही टूट जाऊंगा जी, और टूटता हुआ मैं बड़ा अजीब सा लगूंगा जी। ओके ओके जी। लूसी माय लिटिल गर्ल, आज इनका बर्थडे है ना, चलो केक खा लो। अगर केक खा लिया तो शादीलाल के पीछे शादी करने के लिए भागेगी। शादीलाल भाग भाग। अरे लूसी, कम बैक लूसी,
अरे मेरी माँ, अरे बस कर, बचपन से आज तक मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन कुतिया की बच्ची तूने है ना मेरे को आज पेड़ पे भी चढ़ा दिया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चली जा। अरे चली जा, मेरा इंतजार क्यों कर रही है तू। अरे चली जा।